नमस्कार दोस्तों, गीता में कहा गया है बिना ज्ञान के किया हुआ कर्म अकर्म कहलाता है। और ज्ञान हर आदमी लेने की वेवलेंथ नहीं होती है। जो एंजल्स मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रियली वो ब्लेस्ड है। मैं भी अपने पेरेंट्स उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से शास्त्र पढ़ पा रहा हूँ, इस लाइन में आनंद ले पा रहा हूँ और अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और शेयर एंड केयर, ज्ञान बांटना भी एक यज्ञ रूपी क्रिया है जिसका मैं लाभ उठा रहा हूँ। आप ब्लेस्ड एंजल्स मेरी इन छोटी छोटी वीडियोस को देखें, बार बार देखें और उसमें देखेंगे कि हर बार नया एसेंस निकल के आ रहा है। आज लगभग 16-17 दिन से मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में शांति वॉकिंग क्लोज टू नेचर हूँ। कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस भी हो रही हैं। जब मेरा माइंड अनक्लटर्ड है, इवेंट्स कम हैं, बॉडी में स्लीप भी प्रॉपर हो रही है, कॉर्टिकोसिलेबल भी प्रॉपर मेंटेन्ड है, सारी जो है बॉडी की क्रियाएं सिस्टमेटिक वे से चल रही हैं। आज एक गजब का नज़ारा देखा। जब मैं किसी शॉप पे गया कुछ परचेजिंग के लिए, तो मैंने देखा जो शॉप का एम्प्लॉयर था वो जो है, जो कस्टमर आया था मेरे से पहले, उसका बड़ा अच्छा उसने वेलकम किया, कम ऑन, हेलो हेलो हेलो। देन ही सेज ओ कि इसको जो है साले को फांसी लगाने का मन करता है। दोस्तों, हमने भी सोचा कि हम भी अपनी अंतरात्मा में झांक के देखें कि हम कहते तो ये है कि अतिथि जो है भगवान का रूप होता है, कहीं ऐसा तो नहीं अतिथि आता है तो हम मन में ये सोचते हो कि साले को फांसी लगा दें और ऊपर से दिखावा करते हो। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारी हैबिट बन रही है। मंदिर में भी हम जाते हैं, भगवान के आगे भी, डिवाइन एनर्जी के सामने भी झुकते हैं, तो हमारा सिर तो झुक जाता है पर हमारी ईगो खड़ी रहती है। जब हमारी ईगो झुकेगी जब ही परमात्मा आपको प्रसाद रूपी ज्ञान देगा और आपके जीवन का नजरिया बदल जाएगा और हर मोमेंट सफल हो जाएगा। थैंक यू। डॉक्टर SP साहनी, ENT सर्जन एंड लाइफ कोच, इंडिया।